ओके, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है एग्जैक्टली सुनिए कि अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बनता है एच बॉन्ड सी बॉन्ड एच यहाँ से दोनों एच हटा दो, जैसे ये दो बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होता है ओ एच। यहाँ से ओ एच हटा दो और यहाँ से एक एच हटा दो, इसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं बताओ? डिहाइड्रेशन। ये वाला एच यहाँ से निकलेगा और ये वाला एच यहाँ से निकलेगा, एग्जैक्टली बनेगा क्या आपका? तो आपका जो है वो ये कुछ इस तरह से ऑक्सीडेशन होके कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं बच्चों बताओ? इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, हाँ या ना? यस तो ये वाला पूरा प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग? इसको पूरा प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में दो बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, कोई बताएगा कौन कौन से दो बॉन्ड है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस में दो बॉन्ड निकलने चाहिए, एक ओ एच जिस ओ एच में से ओ एंड एच ब्रेक डाउन होगा और दूसरा सी एच बॉन्ड, है ना? यस इसको हम लोग दूसरा नेम अगर देना चाहे तो इसको हम देख सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। कोई बताएगा क्यों इसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं? हाइड्रोजन निकल रहे इसलिए। यस, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होने वाला है? निकल जाने वाला है, तब हम इसको क्या नाम देने वाले बच्चों? डिहाइड्रोजिनेशन देने वाले हैं। इज इट क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ओके, अब थोड़ा सा आप सोचो तो। ओके, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इन एल्डिहाइड फॉर्म। ओके, अब प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो सोचो आप ऐसा लिख ही दो, प्राइमरी अल्कोहल होते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तब वो पहले क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। अगर आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब वो एल्डिहाइड पे आके रुक जाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो इससे भी आगे बढ़ेंगे और हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है बताओ? तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थोड़ा आप लिख लेना एक बार कि अब जब एल्डिहाइड को आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीडाइज कर रहे हो, तब पहले आपको एल्डिहाइड मिलेगा और एल्डिहाइड के बाद आपको क्या मिलेगा बताओ? बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, अगर आपको सर तो हमें बताओ कि ऐसा तो हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे कि हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए, ऐसा कौन है? फिर हम लोग बात करें तो ऐसा कौन है, ठीक है? तब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। क्या रखोगे आप? एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, तब क्या होगा बताओ? चल नहीं रही है पहन अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप ये याद रखो कि अगर आपने एसिडिफाइड KMnO4 यूज किया तब आपको डायरेक्टली क्या मिल जाने वाला है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तब आप क्या करो? CrO3 यूज करो, लेकिन वो भी एनहाइड्रस विदाउट पानी। अगर पानी या फिर H+ है और CrO3 है तब ये भी RCOOH बना देगा, लेकिन एनहाइड्रस CrO3 अगर आप यूज करोगे, अगर आप क्या यूज करोगे बताओ? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या यूज करोगे बच्चों बताओ आप? एनहाइड्रस CrO3 आप क्या कर सकते हो? यूज करोगे, तब क्या होगा? वो कहां पे आके रुक जाएगा?
सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बता देगा, एल्डिहाइड। एक बहुत ही बढ़िया सा होता है, और ये भी एक होता है बढ़िया सा कि जो एल्डिहाइड पे आके रुकता है। सुनो भाई, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना इजी नहीं है। अगर आपने KNO4 डाल दिया तो एल्डिहाइड मिलेगा ही नहीं, डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड तक जाने के लिए आपको थोड़े से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है बात? यस सर। कि मुझे भाई अल्कोहल में से एल्डिहाइड चाहिए, और याद रखना प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तब आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन। चलो प्राइमरी एल्डिहाइड की बात करूं मैं, हमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाना है। CH3 फिर क्या आएगा, CH2OH आया ना, ओके। अब आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे CrO3 रखते हो, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस याद रखना, लिखना है तो लिख लेना यहाँ पे AN, एनहाइड्रस। CA3CHO, CA3CH2OH, एनहाइड्रस CrO3CA3CHO, यस और नो? ओके, नेक्स्ट वन। एक आता है पीसीसी, ये कौन सा एजेंट आता है बताओ, पीसीसी। वो भी बहुत अच्छा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ भी एक चीज याद रखनी है आपको, पीसीसी विल नॉट एक्ट डबल बॉन्ड। याद करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, वो डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता था, सिर्फ एक ही टाइप के डबल बॉन्ड पे अटैक करता था, फिनाइल वाला कंजुगेटेड हो तब। नहीं याद आ रहा है ना, क्या करो, याद करो मैंने आपको एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में नॉट लिखवाई थी, याद है आपको? देखो तो चलो तो आप क्या था वहां पे, याद है? हाँ, तो अभी यहाँ पे भी एक ऐसी नोट है, अगर आप पीसीसी यूज करोगे ना तो ये डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय पीसीसी? इट्स अ पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इट्स अ पिरिडिनियम क्लोरो ओके, इट्स अ पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट ओके ओके। तो इससे क्या होता है, डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं होगी भाई। अगर डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं होगी तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट क्या आने वाली है, एल्डिहाइड विद डबल बॉन्ड, क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, याद करो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोटोन एल्डिहाइड। CHO के बाद अगर डबल बॉन्ड है ना तो इसको क्रोटोन एल्डिहाइड बोला जाता है, याद रखना अगर कोई पूछ ले कहीं तो। क्रोटोन एल्डिहाइड ओके, ये सीखा आपने। दूसरी एक बात याद रखनी है कि हम लोग जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करने वाले, हम लोग क्या करने वाले बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तब कीटोन तक जाना है हमें। हाँ, फिर अगर उसका आप बहुत विगरस ऑक्सीडेशन करवाओगे तब जाके कुछ बात बन सकती है। CA3OH है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। तब इसका अगर आप CrO3 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आप सोचो कौन कौन से बॉन्ड ब्रेकडाउन होने वाले हैं। अब सुनो आप, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा और यहाँ से ये होगा, आप सोचो क्या बनेगा, आप सोचो, H2 निकल जाएगा, बनेगा क्या यहाँ पे, CA3 C डबल बॉन्ड हो CA3। अरे ये पूरी बात समझ में आपको, यस और नो? Yes, sir. Okay. अब टर्शियरी का क्या करें, अगर इसी तरह अगर टर्शियरी अल्कोहल है तब उसका ऑक्सीडेशन करवाना काफी मुश्किल हो जाता है, पता है क्यों? सपोज ऐसा होगा CH3 CH2 C, अगर सपोज इस तरह से CH3
सी एच थ्री और यहाँ पे ओ एच है। तब देखो यहां से ओ एच बॉन्ड तो ब्रेक डाउन होगा, लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। तब हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग के एम एन ओ फोर मतलब कंसंट्रेटेड के एम एन ओ फोर लो अच्छे से, और आपको बहुत ज्यादा इसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा आपको CH3, CH2, CH3, OH, CH3। ये टर्शियरी अल्कोहल है भाई, इसका एल्डिहाइड, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो तब कौन सा, तब रिएक्शन थोड़ी विग्रस रखनी पड़ेगी, अच्छे से इसको हीट करना पड़ेगा, तब ब्रेकडाउन क्या होगा वो बताओ। अब ये इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है कि ये कार्बन कार्बन को भी ब्रेकडाउन कर देगा, इन सभी बॉन्ड्स को भी वो ब्रेकडाउन कर सकता है। और गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू से, तो हियर यू विल गेट मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन वाला, दो कार्बन वाला, ठीक है, आपको मिक्सचर मिलेगा। क्यों, अब थोड़ा सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, आपका टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन इजीली नहीं देगा, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड केएमएनओ4 रखो और उसको बहुत हीट दो। अगर बहुत हीट दोगे तो क्या होगा बच्चों, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटने लगेंगे। अगर यहाँ से कार्बन बॉन्ड टूट गया, फिर ये कार्बन बच गया, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। अगर ये वाला टूटेगा तो यहाँ पे दो का कॉम्बो बचेगा, तो आपको इथेनोइक एसिड मिलेगा। सो यू विल गेट लाइक अ मिक्सचर ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस सर। तो आप थोड़ा सा सोचो, प्राइमरी है, अरे सर प्राइमरी अल्कोहल है ना, टेंशन मत लो, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा दो कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी है, कोई टेंशन नहीं, कीटोन में हो जाएगा। हाँ, अगर कीटोन को भी आप थोड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो तो उसमें से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन वो कैसे बनेगा वो बाद में देखने वाले हैं। और अगर टर्शियरी अल्कोहल है तब तो आपको केएमएनओ4 रखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा हीट दे दो, तब क्या होगा, आपको ऑक्सीडेशन होने से कार्बन कार्बन बॉन्ड भी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. फिर आपको छोटे छोटे कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिल सकता है। Is it clear? अभी भी ऑक्सीडेशन में एक पॉइंट बाकी है, लेकिन वो आज नहीं करेंगे, तो आप अभी ऑक्सीडेशन वाला ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीसी वाला याद रखो। इसमें आपने क्या नोट डाउन किया, लिखो नोट डाउन करके, नॉट पीसीसी विल नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड, प्लीज पीसीसी विल नॉट ऑक्सीडाइज डबल बॉन्ड। इज इट क्लियर, है ना? Yes. चलो आगे बढ़े, yes. Okay. चलो आगे बढ़ते एकदम। चलो ओके okay.